जाने माने कॉमेडियन और एक्टर शैलेश लोढ़ा ने कुछ समय पहले द कपिल शर्मा शो पर निशाना साधा था और शो को अश्लील बताया था। उन्होंने कहा कि वे कुछ वल्गर शोज को देखते हैं तो शर्मिंदा होते हैं। बस फिर क्या था, बबाल मच गया। अब लंबे समय बाद शैलेश ने चुप्पी तोड़ी है और इस मुद्दे को लेकर अपना पक्ष रखा। शैलेश लोढ़ा ने अपनी सफाई में बताया कि उनका वो बयान कभी भी द कपिल शर्मा शो के लिए नहीं था। आरजे सिद्धार्थ करण के शो में शैलेश लोढ़ा ने अपना पहलू दुनिया के सामने रखा। वे कहते हैं कि ये कहानी अलग है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने बस ये कहा था कि टीवी पर ऐसे भी शोज हैं जो वल्गर हैं, जहां दादी लोगों को किस करती हैं। ये कंटेंट के बारे में था। इस तरह के और भी कई शोज हैं। मुझे लगता है कि कॉमेडी करने का इससे भी बेहतर तरीका हो सकता है। यह कभी भी शो के बारे में नहीं था, लोगों ने इसे किसी और चीज से जोड़ दिया। कपिल और मैंने एक साथ स्टेज पर परफॉर्म किया था। शैलेश लोढ़ा ने एक कवि सम्मेलन में कहा था कि मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है। एक दादी जो हर इंसान को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है, और एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। मैं एक ऐसे शो में काम करता हूँ जहाँ बेटा हर बात के लिए अपने बाप के पैर छूता है। शैलेश लोढ़ा का ये बयान वायरल हुआ था और हर किसी को लगा कि उन्होंने कपिल शर्मा शो पर तंज कसा है, जो कि उनके बयान में कही गई बातों से लगता भी है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी शैलेश जनवरी में कॉमेडियन कपिल शर्मा शो के मेहमान बनकर आए थे। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।